शिवराज मंत्रिमंडल की बैठक में तय किया गया है कि आंगनवाड़ियों में अब बच्चों को अंडे की जगह दूध दिया जाएगा। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट की मीटिंग में स्थानांतरण नीति पर चर्चा हुई है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में महिला थाने खुलेंगे, 10 जिलों में पहले से ही है, 42 जिलों के लिए स्वीकृत मिली है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कैबिनेट में नई स्थानांतरण नीति पर भी चर्चा हुई, विस्तार के बाद इसे 1 मई से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा पूरे मध्य प्रदेश में महिला थाने शुरू किए जाएंगे, इससे पहले मध्य प्रदेश में 10 पहले से थे और अब 42 नए थाने खोले जाएंगे। आंगनबाड़ी में दूध वितरण को लेकर उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी में 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को सप्ताह में 3 दिनों तक दूध वितरित किया जाएगा, इसका निर्णय लिया गया है। आज कैबिनेट की बैठक विधानसभा के समिति कक्ष में हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। आज स्थानांतरण नीति पर भी चर्चा हुई, विस्तार के बाद 1 मई से स्थानांतरण प्रारंभ करने का आज कैबिनेट ने तय किया है। आज तय किया है कि मध्य प्रदेश के संपूर्ण मध्य प्रदेश में महिला थाने प्रारंभ किए जाएंगे, 10 पहले से थे, आज 42 और जिलों में महिला थाने स्थापित करने का कैबिनेट के द्वारा तय किया है। आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता बच्चे जो हमारे हैं 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के, उनको अब 3 दिन बच्चों को सप्ताह में दूध देने का तय मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा किया गया है। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लय खतरे में, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। अनन्याश्चिन्तयन्तो ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपकी सुरक्षा और समृद्धि है हमारी जिम्मेदारी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।